आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए। कहता है इफ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन ओवर ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज द एम बिटवीन ए एंड बी कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? सॉल्यूशन देखिए बेटा। बेटा एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब लिखिए आप एम बिटवीन ए एंड बी। ए बिटवीन ए एंड बी किसके इक्वल होता है बेटा? इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। अब हमें ए एम दे क्या रखा है? ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर। इसका मतलब अगर ये हमारा ए एम है और ये भी हमारा क्या है ए एम है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन ओवर ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। ये दोनों आपस में बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बेटा। टू इंटू में ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। इफ एंड ओनली इफ टू इंटू ए टू द पावर एन प्लस टू इंटू बी टू द पावर एन इक्वल टू सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर सेट हो जाती है। तो क्या आएगा ए टू द पावर एन, क्योंकि यहाँ पावर वन है, और ये क्या आएगा प्लस ए बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस बी टू द पावर एन। यानी क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब इसमें बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ टू ए टू द पावर एन प्लस टू इंटू बी टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा इफ एंड ओनली इफ यह आ जाएगा ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी। इफ एंड ओनली इफ ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी इक्वल टू ए बी टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन। मैंने ए टू द पावर एन वाली टर्म्स एक तरफ कर दी और बी टू द पावर एन वाली टर्म्स एक तरफ। इफ एंड ओनली इसको ऐसे ए टू द पावर एन कॉमन वन माइनस ए टू द पावर माइनस वन इंटू बी इक्वल टू बी टू द पावर एन कॉमन ए बी टू द पावर माइनस वन माइनस वन। क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलेंगे सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए टू द पावर एन वन माइनस बी बाय ए इक्वल टू बी टू द पावर एन ए बाय बी माइनस वन। ठीक है जी, ये क्या आएगा इफ एंड ओनली इफ ए टू द पावर एन इसे ए माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू बी टू द पावर एन आएगा ए माइनस बी अपॉन बी। इफ एंड ओनली इफ आ गया ए टू द पावर एन ए माइनस बी अपॉन ए
equal to b to the power n a minus b upon b, a minus b से a minus b cancel, if and only if b to the power n over a equal to b to the power n over b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं if and only if a to the power n into a to the power minus 1 equal to b to the power n into b to the power minus 1, हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा a to the power n minus 1 equal to b to the power n minus 1, same base multiply होता है तो powers add हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power n minus 1 over b to the power n minus 1 equal to 1, ये हम डिवाइड में ले आए इसलिए यहाँ बना दिया। इसको ऐसे लिखेंगे if and only if a by b to the power n minus 1 equal to a by b to the power 0, किसी की भी पावर 0 हो रिजल्ट क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया if and only if n minus 1 equal to 0, if and only if n equal to 1, क्लियर है पॉइंट बोलिए। तो ये आज हमारा एपी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम जीपी शुरू करते हैं। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा, जो जीपी की सीक्वेंस होती है उसे हम डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस ऑफ जीपी डिफाइन है ए ए आर ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस, मल्टीपल्स में चल ठीक है जी। तो एनएस क्रम ऑफ जीपी होता है एनएस क्रम ऑफ जीपी equal to a r to the power n minus 1, इसको हम tn से भी डिफाइन करते हैं, मतलब tn equal to a r to the power n minus 1, a equal to होता है first term, r equal to होता है common ratio, common ratio कैसे निकालते हैं second term divided by first term, क्लियर है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। एक अब इसमें हम निकालते हैं सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी दैट इज इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन इफ आर ग्रेटर देन वन, और एक होता है हमारे पास ए वन माइनस आर टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर इफ R less than 1, अभी क्लियर है। एक हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम GM कहते हैं। GM GM होता है अंडर रूट AB, GM होता है अंडर रूट AB, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट, कॉमन रेशियो निकलता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है जी, ए का मान कहते हैं थ्री नंबर्स ऑफ जीपी, थ्री नंबर्स ऑफ जीपी इफ प्रोडक्ट इज गिवन, ए बाय आर ए ए आर इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, तो नंबर्स लेते हैं ए ए आर ए आर स्क्वायर, ठीक है
मतलब इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी प्लस ए आर प्लस ए आर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ये आप ले लीजिए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी है बेटा आपके कोर्स में सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी sum of infinite series of GP वो ये होता है बेटा a plus ar plus ar square up to infinity और इसको हम define करते हैं s of infinity that is equal to a upon 1 minus r और sum of infinite series of GP में modulus of r जो है वो less than 1 होना मॉडुलस ऑफ आर क्या होना चाहिए लेस देन अभी क्लियर है अगर हमें बेटा तीन नंबर दे दे ए थ्री नंबर ए बी सी आर गिवन कहता है टू प्रूव दिस नंबर फॉर्म अ जीपी टू प्रूव दिस नंबर फॉर्म अ जीपी कैसे प्रूफ करते हैं तो उसका फार्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू एसी कर दें या तो स्क्वेयर ऑफ द मिडल नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कर दिया जाता है और दूसरा तरीका होता है और ये भी कर सकते हैं बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी कॉमन रेशियो बराबर होता है जीपी के अंदर अगर हमें कोई तीन नंबर दे देकर प्रूफ करवाए कि ये तीनों नंबर जीपी को फॉर्म करते हैं तो या तो बी स्क्वेयर इक्वल टू एसी करके देख लेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो भी ये नंबर जीपी के है या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो भी ये नंबर किसके हैं क्लियर है जीपी के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसको पूरा कहते हैं इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालनी होती है जैसे एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं ऐसे जीपी में कुछ भी अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हाँ जी क्लियर है पॉइंट और कॉमन रेशियो निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अगर हमें तीन नंबर दिए गए हैं कोई और उन तीन नंबर को हमें प्रूफ करना है कि जीपी फॉर्म करते हैं या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू एसी वाली या कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए बी बाय इक्वल टू सी बाय बी आर कोई एक कंडीशन इनमें से हम अगर सेटिस्फाई करा देते हैं नंबरों से तो वो नंबर हमारे किसके हो जाते हैं जीपी देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जीपी के ऊपर लिखिए बेटा क्वेश्चन फर्स्ट हाँ जी शुरू करो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 so on इस सीक्वेंस की हमें क्या फाइंड करनी है बेटा 20th क्रम और nth क्रम ऑफ जीपी फाइंड करना सॉल्यूशन में लिखिए
सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या बेटा, हमें गिवन सीक्वेंस गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 सो ऑन, हियर a इक्वल टू, हां जी a कितना बेटा हमारे पास 5/2, r कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या आएगा 5/4 upon 5/2 दैट इज इक्वल टू 5/4 into 2/5 कितना आ गया 1/2। अब हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म का t20 निकाल लीजिए, t20 क्या होगा ये कितना आ जाएगा 5/2 into 1/2 to the power 20 minus 1 बिकॉज tn इक्वल टू a r to the power n minus 1 तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5/2 into 1/2 to the power 19 क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है दैट इज इक्वल टू 5/2 to the power 20। हां जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए। अब ये तो हमें 20th टर्म फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा बेटा tn इक्वल टू 5/2 into 1/2 to the power n minus ये हमारी nth टर्म। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, हाँ जी सर इसको आगे सॉल्व करें नहीं इतना ही छोड़ सकते हैं क्योंकि सर एक्सर में 5/2 जी आप जाओ तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ 5/2 into 1